पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना, 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिविजन कैसे हुई है, ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। कॉमर्स एंड द इंटरनेट, ई कॉमर्स और इंटरनेट के क्या रिलेशन है इसको हम पढ़ते हैं। ई कॉमर्स द यूज ऑफ द इंटरनेट एंड वेब ट्रांजैक्ट बिजनेस डिजिटली एनेबल ट्रांजैक्शन के, हमारे एनेबल बनाता है ट्रांजैक्शंस को, उसके मुताबिक वर्क करवाता है, हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, इंटरनेट को हम लोग कैसे लेके जा रहे हैं, ट्रांजैक्ट कैसे करते हैं अपने बिजनेस को, हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स, इस तरह हर चीज की हमारे पास एक हिस्ट्री होती है, कैसे बिल्ड हुआ, उसके रिलेवेंट कैसे हुआ, उसके बारे में वैल्यूएशन कैसे की गई, नई चीजें कहाँ से आई, कहाँ से इसका आइडिया आया, कितने टाइम में इसको किया गया, क्या रिलेशनशिप था, किस तरह से था। अब इस तरह हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स की भी हिस्ट्री हमारे पास है, इसका हिस्ट्री की जो कुछ फ्यू लाइंस है इनको हम डिस्कस करते हैं। बिगेन इन 1991 एंड ग्रू एक्सपोनेंशियली स्टिल ग्रोइंग एट एन एनुअल रेट ऑफ 16%। कहता है कि 1991 में हमारे पास इसको हमने ग्रो करना स्टार्ट करवाया था, लेकिन जब एनुअल रेट इसका देखा गया तो वो 16% था जो हमारे पास एनुअल रेट ग्रो करते करते पहुंचा था। रैपिड ग्रो लेड टू मार्केट बबल 1999। रैपिड ग्रो क्या है, इसकी ग्रोथ लेट टू मार्केट में जाते जाते 99% में हमारे पास जो थी वो इसकी जो ग्रोथ थी वो रैपिड होना शुरू हो गई थी, स्पीड में बढ़ना शुरू हो गई थी। वाइल मैनी कंपनीज फेल्ड मैनी सर्वाइव्ड विद सोइंग रेवेन्यूज 2002 में क्या हुआ था, बहुत सी कंपनीज फेल हो गई थी और उन्होंने सर्वाइव किया था अपने रेवेन्यूज को अपनी अचीव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। फिर ई कॉमर्स टूडे द फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ रिटेल ट्रेड इन US, यूरोप एंड एशिया। US एंड यूरोप एंड एशिया के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इसकी रिटेल प्राइस जो है USA की वो इंक्रीज होनी, US में इंक्रीज होना शुरू हो गई है कि वहां पे इसकी वैल्यूज को समझा जाता है। अब जब हम इसकी ग्रोथ को देखते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स रेवेन्यू, इसमें हमारे पास ये वाली जो साइड है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वर्टिकल यहाँ पे, सॉरी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आ जाती है, जिनमें हम लोग इसको बोलते हैं बी टू सी रेवेन्यूज आ जाती है, बिलियन USD आ जाती है, 0, 100, 200, 300, 400, and 500, 90, 95, 6, 7, 8, 1999, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 तक इतनी हमारी ग्रोथ हुई है। हमने यहाँ पे 95 से स्टार्ट किया था और होते होते ई कॉमर्स ने हमारा एक लेवल अच्छा काम कर लिया जिसने इसको इंक्रीज करवाया है। रिटेल ई कॉमर्स रेवेन्यूज हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली सिंस अबाउट 1991 से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हुई थी, और रिसेंटली स्लोड टू रैपिड जितनी भी हुई थी 16% पैनल हुई, जो कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट होती थी। 2012 पे हमने इसको एंड करवाया और जहाँ पे देखा गया ग्राफ में कि ये जो ग्रोथ है वो इंक्रीज करते करते हमारे पास ऊपर जाना शुरू हो गई है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ। जब हमने इसके 8 यूनिक फीचर्स देखने हैं ई कॉमर्स में, पहले आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स में सबसे पहले एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी में क्या आता है, मैं कोई भी चीज कहीं पे भी हमें देखा जाता है कि अवेलेबल होगी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, चैलेंजेस नहीं होंगे, एवरीवेयर इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी अवेलेबल एवरीवेयर, वर्क फ्रॉम ETC एंड एनी टाइम किसी भी जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। ग्लोबली द टेक्नोलॉजी रीच अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज एंड अराउंड अर्थ, हाँ जी, ये नेशनल बाउंड्रीज और अर्थ, जहाँ पे भी हमें इसकी जरूरत होगी हमें ये चीज अवेलेबल होगी। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड क्या है, वो चीज़ जिसके ऊपर हमने एक खास किस्म का स्टैंडर्ड बनाया और पूरी दुनिया से स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, उसको यूनिवर्सल स्टैंडर्ड का नाम दिया जाता है। वन सेट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, हम ये इंटरनेट के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं पूरी दुनिया में, हम जहाँ के भी बैठे हैं हम उसको उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक यूज करते हैं। रिचनेस, अमीर होना, कि हमारी जो
इसमें ई कॉमर्स में हमारी अच्छी से अच्छी चीज क्या सकती है, सपोर्ट करती है वीडियो ऑडियो टेक्स्ट मैसेजेस मल्टीपल, देखो यानी कि इसमें ये ऑडियो वीडियो ईच एंड एवरीथिंग को ये सपोर्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिविटी में आते हैं कि वर्क इंटरेक्शन कायम करते हैं हम यूजर्स के साथ, जो कि टेक्नोलॉजी वर्क करती है और देखते हैं हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। इन्फॉर्मेशन मैसेजिंग क्या वास्ट इंक्रीज इन्फॉर्मेशन डेस्टिनी द टोटल अमाउंट एंड क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए हम किस तरह से सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, कैसे लेकर चल रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। अब आते हैं पर्सनलाइजेशन कस्टमाइजेशन। पर्सनलाइजेशन कस्टमाइजेशन में हमने क्या चीज देखनी है कि हम किस तरह से अपना लेवल या पर्सन कस्टमर्स का लेवल को कैसे इंक्रीज कराते हैं। टेक्नोलॉजी परमिट्स मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस एंड गुड्स। हाँ जी, इसमें मॉडिफिकेशन की जा सकती है मैसेजेस की गुड्स की, आप गुड्स चीजों को कहते हैं। इसमें हम लोग इसके अंदर जितने में इजाजत ली जाती है उनके अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए, चीजों को चेंजिंग करने के लिए मैसेजेस में एंड गुड्स में। सोशल टेक्नोलॉजी, सोशल टेक्नोलॉजी में प्रमोट करते हैं यूजर कंटेंट जनरेशन एंड सोशल नेटवर्किंग को। अब ये देखें, इसमें हमने 8 पढ़े थे, एम्बिग्विटी पढ़ी थी, ग्लोबल रीच पढ़ा था, और फिर उसके बाद यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, रिचनेस, इंटरेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन डेस्टिनी, पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन, सोशल सोशल टेक्नोलॉजी। अब आते हैं की कंसेप्ट ई कॉमर्स में। डिजिटल मार्केट रिड्यूस, क्या क्या मार्केट में रिड्यूस हो रही है चीजें जिसकी वजह से हम देखते हुए काम को आगे लेके जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिंप्लिटी आ गई हमारे पास, सर्च कॉस्ट आ गई, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड मैन्यू कॉस्ट। अच्छा, डिजिटल मार्केट में ये सब चीजें आ गई कि हमें जो है ना इतना टाइम लगता होता था चीजों को सर्च करने, पेपर वर्क करना पड़ता था, अब एक क्लिक पे काम हमारा आसान हो गया है। हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट में जो हमें एक जगह से दूसरी जगह चीज में जाने पे रिटेल प्राइसेस वगैरह जो हमारा टैक्सेस लगते थे उसमें इस तरह कह लिया जाए कि जो हमारा पेट्रोल का खर्चा होता था या फिर जो हमें एक स्पेशल एम्प्लॉय हायर करना पड़ता था उस काम के लिए वो हमारा रिड्यूस हो गया। डिजिटल मार्केट ने अनेबल हमें क्या बनाया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि हम अपने प्राइस को अप एंड डाउन इजीली कर सकते हैं। डायनामिक प्राइसेस का मतलब ये होता है प्राइसेस चेंज होते रहना। एंड डिस्क्रिमिनेशन, हमारी जो भी डेस्टिनेशन है जिस पर हमने डाटा को लेकर जाना है उसको पहुंचाना है, उसको हम पहुंचा सकते हैं। अब हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टू द कंज्यूमर, क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। ये एक डायग्राम है, उससे पहले कुछ लाइन देखते हैं। टिपिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैज सेवरल इंटरमीडिएटरी लेवल लेयर ईच ऑफ व्हिच एड्स टू द फाइनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट सच एज, क्या इसमें से कॉस्ट हो सकते हैं, रिमूविंग लेयर लॉस्ट टू द फाइनल कॉस्ट टू द कंपनी। कंपनी के अंदर क्या हम इसके लेयर बना रहे हैं, किस तरह से कॉस्ट को देख रहे हैं, उनके स्वीकृति कैसे लेवल को लेकर चल रहे हैं। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सारे कस्टमर्स को जा रहे हैं। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक आया, फिर मैन्युफैक्चर से रिटेलर तक गया, एंड देन फिर उसके बाद कस्टमर तक गया। जब ये यहाँ तक गया 48.50 था, फिर नीचे आया 40.34, 20.45, यानी कि वो बेनिफिट्स हैं जो हम लोग एक जगह बैठे अपने कॉस्ट में एक जगह से दूसरी जगह इंक्रीज कर रहे हैं या उसको डिक्रीज कर रहे हैं। अब डिजिटल गुड्स में इसमें क्या आता है, वो जो एक जगह से दूसरी जगह चीजें ट्रांसफर की जा रही हैं। गुड्स दैट कैन बी डिलीवर्ड ओवर अ डिजिटल नेटवर्क, म्यूजिक ट्रैक, वीडियो सॉफ्टवेयर एंड न्यूज़पेपर एंड बुक्स। हाँ जी, ये वो गुड्स हैं जिनको हमें पेपर वर्क के लिए जरूरत नहीं थी या जिनका हमें डिलीवरी फॉर्म करने के लिए हार्ड फॉर्म की जरूरत नहीं थी, इनको हम सॉफ्ट फॉर्म में भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोड कौन सी कर रहे हैं, वीडियोज, म्यूजिक ट्रैक, सॉफ्टवेयर एंड न्यूज़पेपर एंड बुक्स। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट इंटायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मेन मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंड यूनिट इज जीरो। कहते हैं जब आप एक कॉस्ट को लेकर चलते हैं ना, इंक्रीज करवाते हैं, आपके माइग्रेटिंग कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, तो सेकंड यूनिट की जो भी आपकी जीरो होती है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ओवर द इंटरनेट इंटरनेट से जीरो होती जाएगी। मार्केटिंग कॉस्ट रिमेन द सेम, प्राइसिंग हाईली वेरिएबल वेरिएबल होती जाती है। इंडस्ट्रीज विद डिजिटल कॉस्ट आर अंडरगोइंग रेगुलेशन चेंजेस इन पब्लिशर्स रिकॉर्ड लेबल्स, एपीसी जितने भी पब्लिशर रिकॉर्ड लेबल्स बना रहे हैं सबको देखते हुए उसके मुताबिक वर्क करवा रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरनेट बिजनेस मॉडल्स, कौन कौन से मॉडल्स आ सकते हैं। प्योर पे मॉडल्स यानी कि प्ले, हमने प्योर प्ले यानी कि जो आपने इंटरनेट इज प्राइमरी मोड ऑफ इंप्रेशन, के इंटरनेट ही इसका प्राइमरी मोड है जिसके ऊपर काम कर सकता है, उसके बगैर ये काम नहीं कर सकता। प्ले मॉडल्स एंड ऑफलाइन ऑपरेशन विच टिपिकली इंक्लूड अ वेबसाइट एंड अ फिजिकल स्टोर, के फिजिकल स्टोर पर रहते कैसे वर्क करते हैं। एप्लीकेंट वांट टू कंपनी कैन ऑफर कस्टमर दैट द बेनिफिट्स ऑफ फास्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आर ट्रेडिशनल फेस टू फेस सर्विसेज इज इक्वल टू क्लिक्स एंड ब्रेक्स, सी क्लिक्स एंड ब्रेक्स, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अच्छा, यहाँ पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ऑपरेशन हम कर सकते हैं, लेकिन सब हम कब करेंगे, जब हमने देखना है कि हमारा ऑपरेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर चीजें हमारे पास डाउनलोड होंगी तभी हम ऑफलाइन में कर सकते हैं ना,
या वो करने वाली है कि नहीं। अच्छा ये कहता है ये कैसा सॉफ्टवेयर है कि ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो हो सकता है ऑपरेशन हो सकते हैं, ऑफलाइन में ये ब्रिक्स एंड मोर्टर जो आप लोगों ने ऑलरेडी किया उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। हम सोशल नेटवर्क में आते हैं, ऑनलाइन मीटिंग प्लेस हमें मिल जाती है जिसके अंदर रहते हुए हम लोग वर्क कर सकते हैं, अपनी मीटिंग को अरेंज कर सकते हैं। सोशल शॉपिंग साइट्स ठीक है, हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। फिर कैन प्रोवाइड आ जाती है वेज फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स टू टारगेट कस्टमर थ्रू बैनर एड्स एंड पॉपअप एड्स। अच्छा उन्हें ना बकायदा हार्डवेयर ये हार्ड जो हार्ड फॉर्म्स होते हैं उसके अंदर रहते हुए नहीं कि उन्हें प्रोजेक्ट प्रोवाइड करने पड़ते हैं, वो वैसे भी उनको एक शॉर्ट फॉर्म में पॉपअप मेन्यूज दिखा दिए जाते हैं, एड्स दिखा दिए जाते हैं। उसको देखते किसी वेबसाइट पर जब भी कोई चीज ओपन करते हैं ना वेबसाइट के ऊपर एक मेन्यू साइज होता है तो उसके अंदर पॉपअप एड्स में ये चीजें आती है कि वो हमें बताता है कि हाँ इसमें ये नई अपडेशन आई, इस वेबसाइट में ये नई चेंजिंग आई, वो सारी चीजें बताते हैं। ये हम ये नई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड डिजिटल एनवायरमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट सर्च और प्रोडक्ट डिस्प्ले प्रोडक्ट एंड एस्टैब्लिश प्राइस ऑफ दो प्रोडक्ट। हाँ जी वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, प्राइस को देख सकते हैं, इनको मिल सकते हैं बायर एंड सेलर दोनों एक दूसरे से, और अपनी प्रोडक्ट को शो करवा के उनके प्राइसेस पे चेंजिंग करवा सकते हैं। अब आते हैं कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर, ये क्या होते हैं प्रोवाइडिंग डिजिटल कॉन्टेक्ट, क्या क्या हमें प्रोवाइड करते हैं इनमें न्यूज फोटोज वीडियोज ओवर द वेब, हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन एंड सेंसिटिविटी में क्या आते हैं एग्रीगेट करते हैं कॉन्टेक्ट मल्टीपल सोर्सेज से जो कि पैकेज करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन में और रीसेल करते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट, अपनी थर्ड पार्टी वेबसाइट को देखते हुए कंटेंट प्रोवाइडर में आते हैं जो कि ऑनलाइन भी काम करते हैं और डिजिटल कंटेंट यानी कि कंटेंट राइटिंग वगैरह यानी कोई म्यूजिक कोई वेबसाइट कुछ काम करते हैं। अब सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं वेब 2.0 यानी कि ऐसी एप्लीकेशन जिसमें हम फोटो शेयरिंग इंटरेक्टिव मैप्स ईटीसी इतना डेटा स्टोरेज वगैरह को शेयर कर सकते हैं। पोर्टल वो सर्विस को हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था, वो ये होता है जिसके थ्रू हम अपना डाटा जो है वो चेंज एक जगह से दूसरी जगह शो करवा रहे हैं या रब्ता कायम करें एक प्रॉपर वेबसाइट में हम लोग जिसके अंदर डाटा को एक्सचेंजिंग करवा रहे हैं या डाटा के अंदर जितनी ट्रांजेक्शन हुई है या हमने क्या काम परफॉर्म किया अपना ऑफिस वर्क जितना किया वो इस पोर्टल पर शो करवाते हैं। अब आते हैं वर्चुअल स्टोर फ्रंट पे, वर्चुअल स्टोर फ्रंट पे हमें चीजें नजर आती हैं कि हम लोग क्या चीजें देख रहे हैं, उनको क्या हमें फील होता है। सेल फिजिकली प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल बिजनेस के अंदर कर सकते हैं, सेल एंड परचेजिंग दोनों ऑप्शंस आपको मिल रहे होते हैं। एंड इंफॉर्मेशन ब्रोकर क्या होते हैं जो कि प्रोडक्ट की और बिजनेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड आप आते हैं ट्रांजेक्शन ब्रोकर पे, सेव यूजर्स मनी एंड टाइम बाई प्रोसेसिंग ऑनलाइन सेल्स ट्रांजेक्शन एंड जनरेटिंग फी फॉर ईच ट्रांजेक्शन के, ये जो होते हैं ना इससे हमें ये फायदा मिल जाता है कि हमारी जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होनी है ना उसमें हमारी जो भी मनी लगनी है जो भी अखराजात आने तो उससे हम वो तो हमें मिलना ही मिलना है, लेकिन हम लोग जो वहां जाके हमें खरीद नहीं करते हमें तो घर बैठे फायदा हो जाता है। इसमें हम लोग इन चीजों को अंडरस्टैंडेबल करते हैं। ये थे हमारे की कंसेप्ट जो कि ई कॉमर्स के, उनको हमने डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, बिजनेस टू कंज्यूमर बी टू सी, बिजनेस टू बिजनेस बी टू बी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर सी टू सी, मोबाइल कॉमर्स, ये सब हमारे पास टाइप्स हैं ई कॉमर्स की। अब इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, वो चीज जो कि एक बिजनेस किसी कस्टमर को सेल आउट कर रही है उसको बता रही है कि उसने कैसे खरीदनी है, इंक्लूडिंग रिटेल ट्रांजेक्शन और प्रोडक्ट सर्विसेज आर इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिजनेस टू इंडिविजुअल शॉपर्स आर एंड दे आर टिपिकल एग्जाम्पल इज अ शॉप डेट अमेजोन डॉट कॉम ऑनलाइन डॉट कॉम पी एल आर। यहाँ पे ये दो साइट्स हैं जहाँ पे हम लोग बिजनेस जो है वो बिजनेसेस कर रहे हैं और वो किसी कस्टमर को अपनी कोई चीज सेल आउट कर रहे हैं उसको हम बिजनेस टू कस्टमर का नाम देते हैं कि एक बिजनेस से लोग चीज कैसे परचेज कर रहे हैं उसको हम बिजनेस टू कस्टमर। अब उसके बाद आता है बिजनेस टू बी ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नॉट ओनली ऑन सर्च फॉर न्यू कस्टमर एंड ट्रेड मार्केट बट ऑल्सो सर्च फॉर पार्टनर टू इन्वेस्ट ज्वाइंटली। अच्छा बिजनेस टू बिजनेस में यानी कि दो बिजनेसेस कैसे डील करते हैं, उनका टारगेट मार्केट क्या होता है, वो क्या चीजों को सर्च करते हैं, पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं ज्वाइंटली इकट्ठे होकर, बिल्डिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं सप्लाई चेन में, ट्रेड इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, बिल्डिंग कॉपरेशनली नेट्स एंड इक्वायरिंग नॉलेज
नो हाउ किस तरह से इंक्वायर होना चाहिए कि किस तरह से चीजें बन रही है, क्या करें, वो इकट्ठे होके ज्वाइनिंग होके एक नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे इनकी सप्लाई चेन की, क्या ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, कॉपरेशन नेट में देखेंगे, इंक्वायर करेंगे नॉलेज को, दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉमनली सपोर्टेड बाय ट्रेडिशनल मीन ऑफ कम्युनिकेशन सच एज फोन कॉल्स, मीटिंग एंड टैक्सेस। टुडे ओवर 85% ईसी वॉल्यूम इज बी टू बी। कहते हैं कि 85% जितना भी हमारा कॉमर्स का बिजनेस चल रहा है वो बी टू बी पे जा रहा है, उसके ऊपर रखते हुए ये उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है कि कितने हमने फैक्सेस की है, कितनी गिट कॉल्स की, मीटिंग्स की, किस तरह से हम लोगों ने चीजों को अंडर कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि ऐसी साइट जिसमें आप खुद हैं कस्टमर और आप ही अपनी कोई चीज, यानी कि लाइक फीचर है या कोई आपकी बाइकर को आपसे रख कर रहे हैं, सी टू सी इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कस्टमर सेल डायरेक्टली टू अदर कस्टमर। वो डायरेक्टली इसमें कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होता, कोई अदर इम्प्लाई नहीं इन्वॉल्व होगा या कोई एजेंट नहीं इन्वॉल्व होगा जो इसको कर सके। ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ कस्टमर टू कस्टमर इज ऑनलाइन ऑप्शन लाइक ebay.com या अल्बेरो डेट फैसिलिटेट ट्रेड अमंग इंडिविजुअल कस्टमर, यानी कि इंडिविजुअली कस्टमर जो है और अल्बेरो, ये हमारे पास क्या है, तो ऐसी साइट जो कि इस चीज को अंडरस्टैंड करती है या फिर इसमें सपोर्ट करती है। मोबाइल कॉमर्स को होते हैं जिसमें हम ट्रांजेक्शन करते हैं पार्शली वायरलेस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, यानी कि अपने इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजेक्शन करते हैं। ट्रांजेक्शनल एक्टिविटीज कंडक्टेड इंटायरली और पार्शली ऑन इन वायरलेस इन्वायरमेंट, वायरलेस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए हम अपने मोबाइल कॉमर्स के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म आउट करते हैं। अब आते हैं वो व्हाट एल्स टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। अच्छा यहाँ पे सी टू बी में क्या आता है, इसके अंदर क्या होगा, सी टू बी इस कैटेगरी में एक जो कस्टमर है उसके पास कोई ऐसी चीज है कि वो अपने बिजनेस को दे रहा है, बिजनेसमैन को दे रहा है, लाइक किसी के पास जो किसान होगा वो गंदम करता है, वो अपने बिजनेस वहाँ पे सेल कर रहा है, जिनको हुकूमत को वो क्या करेंगे आगे से, जो आगे से आगे ऑनलाइन परचेजिंग करके उसके आगे करेंगे, या फिर कोई ऐसी चीज इंसान है जिसके पास कोई स्किल है वो करके अपनी चीजें आगे किसी बिजनेस को सेल कर रहा है। दिस कैटेगरी इंक्लूड इंडिविजुअल कस्टमर हु कैन हु यूज द इंटरनेट टू सेल गुड्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल हु सीक ऑर्डर टू मेक बिड्स ऑन देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। Fiverr.com ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी वेयर वन डिफाइन प्राइसेस दैट वांट टू पे एंड टिपिकली एग्जांपल ऑफ सी टू बी, तो मतलब वो खुद डिफाइन कर देते हैं इतनी प्राइसेस के अंदर इनको सेल आउट करना चाहते हैं, फिर वो उसके अंदर रहते हुए अपनी चीजें जो है वो ट्रांजेक्शन को सेल आउट कर देते हैं। अब आते हैं ई ट्रांजेक्शन, ई लर्निंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन। हाँ जी, ये आजकल हो रहा है कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन जितने भी ऑनलाइन करें, ग्रीन इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट विच विल बी एनालिसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग की एग्जाम्पल्स हैं, ई गवर्नमेंट हैपन्स व्हेन गवर्नमेंटल एंटिटी बायर्स आर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सर्विसेज आर गुड्स टू द इंडिविजुअल सिटीजन। किन किन को करते हैं, इंडिविजुअल सिटीजन को देते हैं, जिनमें सिटीजन गवर्नमेंट टू बिजनेस सिटीजन बी टू सी या गवर्नमेंट टू बिजनेस या बिजनेस को प्रोवाइड की जाती है, जब हमारे पास गवर्नमेंटल सर्विसेज आ जाती हैं या एक्टिविटीज आ जाती हैं जिनको हम देखते हुए काम करते हैं। फुल इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस ऑफ टैक्स फ्रॉम ऑन एन इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज वेबसाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जी टू सी एंड जी टू बी। डेटाबेसेज या टैक्स फॉर्म जितने भी हैं वो हमारे पास एग्जाम्पल हैं IRS के, जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रांजैक्शन में, उनको देखते हुए फर्दर वर्किंग करते हैं। अब आते हैं इंटरेक्टिव मेकिंग एंड पर्सनलाइजेशन। अच्छा, ये दो टर्म्स हैं जो कि हमारे पास बेनिफिशियल होती हैं कि हमारी ई कॉमर्स को जानने के लिए। वेबसाइट्स आर वंडरफुल सोर्स ऑफ डिटेल्स अबाउट कस्टमर बिहेवियर प्रेफरेंस बाइंग पैटर्न्स एंड यूज टू टेलर प्रमोशन प्रोडक्ट सर्विसेज एंड प्राइसिंग, के हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे चल रही है, उनकी प्राइसिंग क्या हो रही है, किस वाले से हम उस चीज़ को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। क्लिक स्ट्रीम ट्रैकिंग टूल में क्या आते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा को कस्टमर की एक्टिविटीज पे तमाम वेबसाइट पे देखते हुए, यूज टू क्रिएट पर्सनलाइज वेबसाइट, हमने पर्सनलाइजेशन की वेबसाइट्स को देखना है उसके मुताबिक वर्क करवाना है, कोलैबोरेट फिल्टरिंग कंपनीज कस्टमर्स का डाटा जितना भी है वो अदर कस्टमर्स को सेल आउट करती हैं उनकी रिकमेंडेशन को लेने के लिए, कंप्रेस कस्टमर्स डाटा टू अदर कस्टमर्स टू मेक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन को देखते हुए उनके मुताबिक वर्क करवाती हैं।
बॉक्स पे, बॉक्स हमारे पास होता ही ये है कि जो एक लेदर साइड पे लिखा जाता है उसके मुताबिक वर्क करवाता है कि हमारा जो डाटा है वो उसके मुताबिक क्या काम हो रहा है, चीजों कैसे चलते हैं। पर्सनल वेब पेजेस डॉट कंटेन सीरीज ऑफ क्रोनोलाइज एंट्रीज बाई ऑथर एंड लिंक्स टू रिलेटेड वेब पेजेस एज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंसिंग इन पॉलिटिकल न्यूज आ जाती है कि हमारे पास पॉलिटिशियन एंड न्यूज को देखते हुए ब्लॉग्स कैसे बनाए जाते हैं, उनके ऊपर क्या चीजें दी जाती हैं, ऑथर्स का लिंक क्या है, क्या वो मुताबिक काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ब्लॉग्स क्या होंगे, न्यूज चैनल्स जो होंगे उसको रीच कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेच सकते हैं, इसको रीड आउट करते हैं, न्यूज चैनल का रीचिंग कस्टमर्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, अपने नई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देते हैं उसके मुताबिक रहते हुए वर्क करते हैं, ब्लॉग एनालिसिस बाय मार्केट्स, मार्केट्स जो है वो जितने भी मार्केट के अंदर रहते हुए अपने ब्लॉग के एनालिसिस करते हैं उनके मुताबिक देखते हैं, कस्टमर सेल्फ सर्विसेज वो कस्टमर सर्विसेज जो कि इनको प्रोवाइड की जाती हैं उनके अंदर रहते हुए ई कॉमर्स के क्वेश्चन या जो प्रोवाइड सर्विसेज को देखा जाता है उसके मुताबिक रखते हुए काम किए जाते हैं, रिड्यूस नीड फॉर ह्यूमन कस्टमर सपोर्ट एक्सपर्ट कि हमारे ह्यूमन कस्टमर की जितनी सपोर्ट है उसके अंदर रहते हुए हम कितने सर्विसेज ओवरव्यू ले चुके हुए हैं। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट टूडेज लेक्चर नाउ। बी ई कॉमर्स न्यू एफिशिएंट्स एंड रिलेशनशिप्स, क्या बी टू बी ई कॉमर्स का क्या रिलेशनशिप्स होता है, किस तरह से इनमें एफिशिएंटली हम लोग वर्क कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। बी टू बी ई कॉमर्स में डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज में क्या आता है कि इलेक्ट्रॉनिकली ईडीआई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ जी यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन एज इनवाइसिस परचेजेज एंड ऑर्डर्स का, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम ऑर्डर्स परचेजेज इन सबको हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज हैव ईडीआई स्टैंडर्ड्स डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स फॉर डैट इंडस्ट्री। अच्छा, इस इंडस्ट्री के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए, कि वो ऐसे डेटा इंडस्ट्रीज को फील्ड्स को रखते हैं जिसके अंदर रहते हुए वो फर्दर चीज़ों को वर्क करवा सकते हैं, काम को देख सकते हैं, कि इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। More companies increasingly moving away from private network to internet for linking to other firms. अच्छा, वो कहते हैं कि बहुत सी private जो firms है ना वो internet के साथ connect हो रही है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, ताकि वो दुनिया में पूरी चंद ही समय में पूरी दुनिया में ही अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकें। इनकी प्रोक्योरमेंट एंड बिजनेस कैन नाउ इंटरनेट टू लोकेट मोस्ट लो कॉस्ट सप्लायर्स, सर्च ऑनलाइन कैटलॉग ऑफ सप्लायर्स प्रोडक्ट, निगोशिएट विद बिजनेस सप्लायर्स, प्लेस ऑर्डर्स। यहाँ पे जो प्लेस ऑर्डर ऑनलाइन कैटेगरी को देखते हैं, सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स को जो कि निगोशिएट करते हैं सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से रिलेटेड ये डायग्राम आती है। शिपर सप्लायर सिस्टम जो कि सप्लाई करवा रहा है, फर्म सिस्टम जो कि इसको सप्लाई को फर्म करवा रहा है, शिपिंग डाटा, पेमेंट डाटा, प्रोडक्शन इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स कि हम इसकी प्रोडक्शन की इन्वेंट्री जो है वो क्या रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूसली रिशिपमेंट को हम कैसे देख रहे हैं, प्लेसमेंट को उसके अंदर देखते हुए कैसे वर्किंग करते हैं। कंपनीज यूज ईडीआई टू ऑटोमेट ट्रांजेक्शन फॉर बी टू बी ई कॉमर्स एंड कंटिन्यूस इन्वेंट्री में रिप्लेसमेंट आ जाती है कि उनके अंदर रहते हुए हम कैसे बिजनेस को टू बिजनेस हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। सप्लायर्स कैन ऑटोमेटिकली सेंड डाटा अबाउट शिपमेंट्स टू परचेसिंग, फंड्स की शिपमेंट्स को देखते हुए डाटा को कैसे परचेज कर रहे हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स के लेवल्स को देखते हुए। द परचेजिंग फंड्स कैन यूज ईडीआई टू प्रोवाइड प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड पेमेंट डाटा टू सप्लायर के अपने डाटा की इन्वेंट्री स्टॉक्स को देखते हैं, चेक करते हैं। हमारे पास आता है नेक्स्ट मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में हमारी टोटल वैल्यू क्या है या इलेक्ट्रॉनिकली हब्स क्या है, किस तरह से बायर्स एंड सेलर्स एक मार्केट के लिए सेलर्स के लिए कितने ही हमारे पास प्लेसेस हो सकती हैं जो कि हमारे पास फ्री हो सकती है सिंगल मार्केट में। इंडस्ट्री ओनर एंड आर ओन्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हमारे पास किस तरह से सिस्टम को देखते हुए पूरे इंडिपेंडेंटली किस तरह से वर्क करता है, जनरेट करता है रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शन सर्विसेज, इस तरह से अदर सर्विसेज को देखते हुए किस तरह से उनकी फीसिस को देखते हैं, उनको पे करते हैं, यूज प्राइसेस एस्टैब्लिशमेंट थ्रू निगोशिएट ऑप्शंस आर एफ क्यूज आर फिक्स्ड प्राइस। हाँ जी, इनकी प्राइसेस को देखेंगे, इनको एस्टैब्लिश कराएंगे, इनको निगोशिएट करेंगे, इनकी
प्राइसेस को देखते हुए फिर मार्केट में जो वैल्यूज चल रही हैं उनके मुताबिक उनकी फिक्स प्राइस कर देंगे। मैनी फोकस ऑन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गुड्स, बहुत सा फोकस होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गुड्स के ऊपर। फिर परचेजिंग करेंगे मैनी स्पॉट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग और शॉर्ट टर्म स्पॉट परचेजिंग के, हमारी स्पॉट परचेजिंग क्या चल रही है, हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या चल रहा है, किस तरह से हम चीजों को देख रहे हैं, उनकी परचेजिंग को कैसे ले रहे हैं। मेन सर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस, हाँ जी, ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों मार्केट प्लेस को देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसके मुताबिक की डायग्राम पे नेट मार्केट प्लेस में कैटलॉग स्कोरिंग ऑटोमेटेड परचेजिंग प्रोसेसिंग एंड फुलफिलमेंट, ये सारी चीजें आती हैं जो सब को देखते हुए काम करती है। एक साइड पे सप्लायर हैं, दूसरी साइड पे बायर हैं जो कि प्रोवाइड करें, जो कि उनको डिफरेंट वराइटीज देते हैं, सोर्सेज देते हैं, उन चीजों को ऑटोमेशन करते हैं, परचेजिंग करते हैं, प्रोसेसिंग। नेट मार्केट प्लेस और ऑनलाइन मार्केट प्लेस में मल्टीपल बायर्स कैन परचेज फ्रॉम मल्टीपल सेलर्स, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स जो हैं अपने जो मल्टीपल परचेजर मौजूद हैं उनसे चीज़ें खरीद सकते हैं। फिर उनके मुताबिक उन चीज़ों को देखते हुए कि उनकी जो प्राइसेज हैं डिफरेंट, जैसे हमारे पास एक हमने चीज़ खरीदनी है डिफरेंट शॉप्स होती हैं, कपड़ा खरीदना है तो डिफरेंट शॉप्स होंगी, तो उन्हें देखते हुए जिधर सूटेबल लगेगा हम उधर से खरीदना है, किसी तरह इसमें वर्क करते हैं। अब आते हैं iOS, अच्छा जी, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ई मार्केट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट फीचर। अब यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप इज डिटरमाइंड इन एडवांस्ड विद एंटिसिपेशन, इट विल बी हेल्ड ऑन ऑनगोइंग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन मल्टीपल ट्रांजेक्शन, मल्टीपल ट्रांजेक्शन को देखते हैं भाई किस तरह से वर्क करता है, एडवांस्ड इंटर रिलेशनशिप बनाते हैं कि इसके साथ में टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में एग्जिस्ट, कस्टमर सेलर लिंक करते हैं एस्टैब्लिश इन टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन में भी फॉर वन ट्रांजेक्शन ओनली, कि कस्टमर और सेलर जो है वो लिंक कर सकते हैं एक ही ट्रांजैक्शन के साथ, या तो वो वन टू वन भी हो सकती है, उनके साथ परचेजिंग कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, काम को लेके जा रहे हैं आगे, इस तरह से हम लोग डीलिंग करते हैं। अब आते हैं iOS में भी बिल्ट अराउंड प्राइवेट और पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क, ये iOS क्या है, वो बिल्ट कर सकती है अपने डाटा को प्राइवेट या पब्लिकली ओवरऑल भी जितने भी नेटवर्क होंगे। कस्टमर सप्लायर्स परचेज एग्रीमेंट एस्टेब्लिश फॉर डिफाइंड पीरियड और सारा उसके मुताबिक उसको रहते हुए वर्क करवाता है कि हमारी जो चीज़ है वो कैसे वर्क करेगी, काम को कैसे लेकर चलेगा, तो उसके मुताबिक ये देखेगा। फिर उसके बाद हर एंड से रिजल्ट एग्रीमेंट ऑन द नेचर एंड फॉर्मेट ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स दैट विल बी एक्सचेंज एंड पेमेंट्स, जो हमारे एग्रीमेंट जितने भी चल रहे हैं उसके मुताबिक बिजनेस का फॉर्मेट देखेगा, उनको एक्सचेंज करेगा, फिर उनकी पेमेंट देगा। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स आर बिल्ट अराउंड पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क, हमारे पब्लिकली यहाँ से हम अपने नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं अपने टॉपिक है। हमारे पास सेलर्स डिटरमाइन इन कंजेक्शन विद द मार्केट मेकर विद बिजनेस ट्रांजेक्शन दे विल प्रोवाइड, जहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्हें प्रोवाइड की जाती है, जिसको बेस बनाते हैं वो काम करते हैं। एडवांस एग्रीमेंट्स आर मेड सो बोथ पार्टीज नो विच कम्युनिकेट नेटवर्क्स विल बी इंटीग्रल टू सिस्टम, सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हैं वे वर्क करते हैं। कस्टमर्स एंड सेलर्स इंडिपेंडेंट डिटरमाइन विच कम्युनिकेट नेटवर्क दे विल बी इन पार्टिसिपेंट्स इलेक्ट्रॉनिकल मार्केट द नेटवर्क में यूज वेरी फ्रॉम ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन, अच्छा ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करते हैं, कस्टमर्स एंड सेलर्स इंडिपेंडेंटली और पार्टिसिपेट करते हुए वर्क करते हैं। ज्वाइंट गाइडलाइंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच पार्टी आर फॉर्मुलेटेड सो ईच नोज हाउ द सिस्टम इज टू बी how the system is to be used and when transactions will be submitted and received by each business partner, के जितने भी ज्वाइंट किए जाएंगे ना गाइडलाइंस एंड एक्सपेक्टेशन होंगे उनको फार्मूलेट करते हैं एक सिस्टम का, दूसरे सिस्टम के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको सबमिट करते हैं, उनके लिए हम एक पार्टनर से रिसीव करते हैं चीज़ों को, फिर आगे मूव करवाते हैं, ये हमारे पास काम करता है। और इसमें हमने ज्वाइंट गाइडलाइंस देखी, अब इसमें नॉट ज्वाइंट गाइडलाइंस आर ड्रॉन, हम कहते हैं इसमें गाइडलाइंस हम एडवांस में ड्रा नहीं कर सकते, ये बेस किस पे करती है, बी टू सी एंड अदर्स, अदर्स की जितनी भी बेस है वो हमारे पास इसके ऊपर आती है, ई मार्केट के ऊपर इसके ऊपर रहते हुए करते हैं। इंटरनेट का ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके अंदर हमने सारी चीज़ों को वर्कआउट करवाया, उनको अंडरस्टैंड किया कि ये हमारी चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था, कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। हाय
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, बिजनेस टू कंज्यूमर, बी टू सी, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी टू सी, मोबाइल कॉमर्स, ये सब हमारे पास टाइप्स हैं ई कॉमर्स की। अब इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, वो चीज जो कि एक बिजनेस किसी कस्टमर को सेल आउट कर रही है, उसको बता रही है कि चीज उन्हें कैसे खरीदनी है, इंक्लूडिंग रिटेल ट्रांजेक्शन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज आर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बिजनेस टू इंडिविजुअल शॉपर्स आर एंड दे आर टिपिकल एग्जाम्पल इज अ शॉपिंग डेट अमेजोन डॉट कॉम एंड मेलाइन डॉट कॉम पी एल आर। यहाँ पे ये दो साइट्स हैं जहाँ पे हम लोग बिजनेस जो है वो बिजनेसेस कर रहे हैं और वो किसी कस्टमर को अपनी कोई चीज सेल आउट कर रहे हैं, उसको हम बिजनेस टू कस्टमर का नाम देते हैं कि एक बिजनेस से लोग चीज कैसे परचेज कर रहे हैं, उसको हम बिजनेस टू कस्टमर। अब उसके बाद आता है बिजनेस बी टू बी, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नॉट ओनली ऑन सर्च फॉर न्यू कस्टमर एंड ट्रेड मार्केट्स बट आल्सो सर्च फॉर पार्टनर्स टू इन्वेस्ट ज्वाइंटली। अच्छा, बिजनेस टू बिजनेस में यानी कि दो बिजनेसेस कैसे डील करते हैं, उनका टारगेट मार्केट क्या होता है, वो क्या चीजों को सर्च करते हैं, पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं ज्वाइंटली इकट्ठे होकर, बिल्डिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं सप्लाई चेन में, ट्रेड इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, बिल्डिंग ऑपरेशनली नेट्स एंड इक्वायरिंग नॉलेज नो हाउ किस तरह से इक्वायर होना चाहिए कि किस तरह से चीजें बन रही है क्या करें, वो इकट्ठे होके ज्वाइनिंग होके एक नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे इनकी सप्लाई चेन की क्या, ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, कॉपरेशन नेट में देखेंगे, इंक्वायर करेंगे नॉलेज को, दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉमनली सपोर्टेड बाय ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज फोन कॉल्स, मीटिंग्स एंड टैक्सेस। टुडे ओवर 85% ईजी वॉल्यूम इज बी टू बी, कहते हैं कि 85% जितना भी हमारा कॉमर्स का बिजनेस चल रहा है वो बी टू बी पे जा रहा है, उसके ऊपर रखते हुए ये उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है कि कितने हमने टैक्सेस किए, कितनी गिट कॉल्स की, मीटिंग्स की, किस तरह से हम लोगों ने चीजों को अंडर कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि ऐसी साइट जिसमें आप खुद हैं कस्टमर और आप ही अपनी कोई चीज यानी कि लाइक फीचर है या कोई आपकी बाइक है उसको आप सेल आउट कर रहे हैं। सी टू सी इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कस्टमर सेल डायरेक्टली टू अदर कस्टमर, वो डायरेक्टली उसमें कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होता, कोई अदर इम्प्लाई नहीं इन्वॉल्व होगा या कोई एजेंट नहीं इन्वॉल्व होगा जो इसको कर सके। ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ कस्टमर टू कस्टमर इज ऑनलाइन ऑप्शन लाइक ebay.com या अल्बेरो डेट फैसिलिटेट ट्रेड अमंग इंडिविजुअल कस्टमर, यानी कि इंडिविजुअली कस्टमर जो है अल्बेरो, ये हमारे पास क्या है, तो ऐसी साइट जो कि इस चीज को अंडरस्टैंड करती है या फिर इसमें सपोर्ट करती है। मोबाइल कॉमर्स को होते हैं जिसमें हम ट्रांजेक्शन करते हैं पार्शली वायरलेस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए, यानी कि अपने इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शनल एक्टिविटीज कंडक्टेड इंटायरली और पार्शली ऑन इन अ वायरलेस इन्वायरमेंट, वायरलेस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए हम अपने मोबाइल कॉमर्स के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म आउट करते हैं। अब आते हैं व्हाट एल्स टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। अच्छा, यहाँ पे सी टू बी में क्या आता है, इसके अंदर क्या होगा, सी टू बी इस कैटेगरी में एक जो कस्टमर है उसके पास कोई ऐसी चीज है कि वो अपने बिजनेस को दे रहा है, बिजनेसमैन को दे रहा है, लाइक किसी के पास जो किसान होगा वो गंतुम करता है, वो अपने बिजनेस वहां पे सेल कर रहा है, जिनको हुकूमत को वो क्या करेंगे आगे से, जो आगे से आगे ऑनलाइन परचेजिंग करके उसके आगे करेंगे, या फिर कोई ऐसी चीज इंसान है जिसके पास कोई स्किल है वो करके अपनी चीजें आगे किसी बिजनेस को सेल कर रहा है। दिस कैटेगरी इंक्लूड इंडिविजुअल कस्टमर हु कैन हु यूज द इंटरनेट टू सेल गुड्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल हु सीक ऑर्डर टू मेक बिड्स ऑन देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज, fivedent.com ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी वेयर वन डिफाइन प्राइसेस दैट वांट टू पे एंड टिपिकली एग्जांपल ऑफ सी टू बी, तो मतलब वो खुद डिफाइन कर देते हैं कितनी प्राइसेस के अंदर इनको सेल आउट करना चाहते हैं, फिर वो उसके अंदर रहते हुए अपनी चीजें जो है वो ट्रांजेक्शन को सेल आउट कर देते हैं। अब आते हैं ई ई लर्निंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन। हाँ जी, ये आजकल हो रहा है कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन जितने भी ऑनलाइन पर ग्रीन इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट विच विल बी एनालिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ ई लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग की एग्जांपल्स हैं, ई गवर्नमेंट हैपेंस व्हेन गवर्नमेंटल एंटिटी बायर्स आर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सर्विसेज आर गुड्स टू द इंडिविजुअल सिटीजन। किन किन को करते हैं, इंडिविजुअल सिटीजन को देते हैं, जिनमें सिटीजन गवर्नमेंट टू बिजनेस सिटीजन बी टू सी या गवर्नमेंट टू बिजनेस, या बिजनेस को प्रोवाइड की जाती है जब हमारे पास गवर्नमेंट
डेवलपमेंटल सर्विसेज आ जाती हैं या एक्टिविटीज आ जाती हैं, इनको हम देखते हुए काम करते हैं। फुल इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस ऑफ टैक्स फ्रॉम ऑन एंड इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज वेबसाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ G2C एंड G2B डेटाबेसेज। ये टैक्स फॉर्म जितने भी हैं वो हमारे पास एग्जाम्पल हैं IRS के, जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रांजैक्शन में, उनको देखकर हम फर्दर वर्किंग करते हैं। अब आते हैं इंटरेक्टिव मेकिंग एंड पर्सनलाइजेशन। अब ये दो टर्म्स हैं जो कि हमारे पास बेनिफिशियल होती हैं कि हमारी ई कॉमर्स को जानने के लिए। वेबसाइट्स आर वंडरफुल सोर्स ऑफ डिटेल्स अबाउट कस्टमर बिहेवियर प्रेफरेंस बाइंग पैटर्न्स एंड यूज टू टेलर प्रमोशन प्रोडक्ट सर्विसेज एंड प्राइसिंग, के हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे चल रही है, उनकी प्राइसिंग क्या हो रही है, किस वाले से हम उस चीज़ को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। क्लिक स्ट्रीम ट्रैकिंग टूल में क्या आते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा को कस्टमर की एक्टिविटीज पर तमाम वेबसाइट पर देखते हुए। यूज टू क्रिएट पर्सनलाइज वेबसाइट, हमने पर्सनलाइजेशन की वेबसाइट्स को देखना है, उसके मुताबिक वर्क करवाना है। कोलैबोरेट फिल्टरिंग कंपनीज कस्टमर्स का डाटा जितना भी है वो अदर कस्टमर्स को सेल आउट करती हैं उनकी रिकमेंडेशन को लेने के लिए। कंप्रेस कस्टमर्स डाटा टू अदर कस्टमर्स टू मेक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन को देखते हुए उनके मुताबिक वर्क करवाती हैं। ब्लॉग हमारे पास होता ही ये कि जो एक लेदर साइट पे लिखा जाता है उसके मुताबिक वर्क करवाता है कि हमारा जो डाटा है वो उसके मुताबिक क्या काम हो रहा है, चीजों कैसे चलते हैं। पर्सनल वेब पेजेस डेट कंटेन सीरीज ऑफ क्रोनलाइजन एंट्रीज बाय ऑथर्स एंड लिंक्स टू रिलेटेड वेब पेजेस एज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स न्यूज आ जाती है कि हमारे पास पॉलिटिशियन एंड न्यूज को देखते हुए ब्लॉग्स कैसे बनाए जाते हैं, उनके ऊपर क्या चीजें दी जाती हैं, ऑथर्स का लिंक क्या है, क्या वो मुताबिक काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ब्लॉग्स क्या होंगे, न्यूज चैनल्स जो होंगे उसको रीच कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेच सकते हैं, इसको रीड आउट करते हैं। न्यूज चैनल का रीचिंग कस्टमर्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है अपनी नई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देते हैं उसके मुताबिक रहते हुए वर्क करते हैं। ब्लॉग एनालिसिस बाय मार्केट्स, मार्केट्स जो है वो जितने भी मार्केट के अंदर रहते हुए अपने ब्लॉग के एनालिसिस करते हैं उनके मुताबिक देखते हैं। कस्टमर सेल्फ सर्विसेज, वो कस्टमर सर्विसेज जो कि इनको प्रोवाइड की जाती हैं उनके अंदर रहते हुए ई कॉमर्स के क्वेश्चन या प्रोवाइड सर्विसेज को देखा जाता है उसके मुताबिक रखते हुए काम किए जाते हैं। रिड्यूस नीड फॉर ह्यूमन कस्टमर सपोर्ट एक्सपर्ट, कि हमारे ह्यूमन कस्टमर की जितनी सपोर्ट है उसके अंदर रहते हुए हम कितने सर्विसेज। बी ई कॉमर्स न्यू एफिशिएंट एंड रिलेशनशिप्स, क्या B2B ई कॉमर्स का क्या रिलेशनशिप्स होता है, किस तरह से इनमें एफिशिएंटली हम लोग वर्क कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। B2B ई कॉमर्स में डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज में क्या आता है कि इलेक्ट्रॉनिकली EDI स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन एज इन माइसिस परचेजेज एंड ऑर्डर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम ऑर्डर परचेजेज इन सबको हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज हैव EDI स्टैंडर्ड्स डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स फॉर डैट इंडस्ट्री। अच्छा, इस इंडस्ट्री के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए, कि वो ऐसे डेटा इंडस्ट्रीज को फील्ड्स को रखते हैं जिसके अंदर रहते हुए वो फर्दर चीज़ों को वर्क करवा सकते हैं, काम को देख सकते हैं, कि इनका स्ट्रक्चर दे सकते हैं। More companies increasingly moving away from private network to internet for linking to other funds. अच्छा, वो कहते हैं कि बहुत सी प्राइवेट जो फंड्स है ना वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रही है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, ताकि वो दुनिया में पूरी चंद हिस्सों में नहीं पूरी दुनिया में ही अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकें। इनकी प्रोक्योरमेंट एंड बिजनेस कैन नाउ इंटरनेट टू लोकेट मोस्ट लो कॉस्ट सप्लायर्स, सर्च ऑनलाइन कैटलॉग ऑफ सप्लायर्स प्रोडक्ट, निगोशिएट विद बिजनेस सप्लायर्स, प्लेस ऑर्डर्स। यहाँ पे जो प्लेस ऑर्डर ऑनलाइन कैटेगरी को देख सकते हैं, सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट को जो कि निगोशिएट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से रिलेटेड ये डायग्राम आती है। शिपर सप्लायर सिस्टम जो कि सप्लाई करवा रहा है, फर्म सिस्टम जो कि इसको सप्लाई को फर्म करवा रहा है, शिपिंग डाटा, पेमेंट डाटा, प्रोडक्शन इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स कि हम इसकी प्रोडक्शन की इन्वेंट्री जो है वो तो क्या रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम वर्क कर रहे हैं कंटिन्यूसली, रिशिपमेंट को हम कैसे देख रहे हैं, प्लेसमेंट को उसके अंदर देखते हुए कैसे वर्किंग करते हैं। कंपनीज यूज EDI टू आर्न ऑटोमेट ट्रांजेक्शन फॉर B2B ई कॉमर्स एंड कंटिन्यूस इन्वेंट्री में रिप्लेसमेंट आ जाती है कि उनके अंदर रहते हुए हम कैसे बिजनेस को टू बिजनेस हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं चीज़ों को देख रहे हैं। सप्लायर्स कैन ऑटोमेटिकली सेंड डाटा अबाउट शिपमेंट्स टू परचेसिंग
की शिपमेंट्स को देखते हो, कैसे परचेज कर रहे हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स के लेवल्स को देखते हो, द परचेजिंग फर्म कैन यूज ईडीआई टू प्रोवाइड प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड पेमेंट डेटा टू सप्लायर के अपने डाटा की इन्वेंट्री स्टॉक्स को देखते हैं, चेक करते हैं हमारे पास आता है मार्केट प्लेस में हमारी टोटल वैल्यू क्या है, या इलेक्ट्रॉनिकली हब्स क्या है, किस तरह से मार्केट के सेलर्स के लिए कितने ही हमारे पास प्लेसेस हो सकती हैं जो कि हमारे पास फ्री हो सकती है। सिंगल मार्केट में इंडस्ट्री ओनर एंड आर ओन्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हमारे पास किस तरह के सिस्टम को देखते हुए पूरे इंडिपेंडेंटली किस तरह करता है, जनरेट करता है रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शन अदर सर्विसेज, इस तरह से अदर सर्विसेज को देखते हुए किस तरह से उनकी फीसेस को देखते हैं, उनको पे करते हैं, यूज प्राइसेस एस्टैब्लिशमेंट थ्रू नेगोशिएट ऑप्शंस आरएफक्यूज आर फिक्स्ड प्राइस, हाँ जी इनकी प्राइसेस को देखेंगे, इनको एस्टैब्लिश कराएंगे, इनको नेगोशिएट करेंगे, इनकी प्राइसेस को देखते हुए फिर मार्केट में जो वैल्यूज चल रही हैं उनके मुताबिक उनके फिक्स प्राइस कर देंगे। मैनी फोकस ऑन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गुड्स, बहुत सा फोकस होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गुड्स के ऊपर, फिर परचेजिंग करेंगे मैनी स्पॉट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग और शॉर्ट टर्म स्पॉट परचेजिंग के, हमारी स्पॉट परचेजिंग क्या चल रही है, हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या चल रहा है, किस तरह से हम चीजों को देख रहे हैं, उनके परचेजिंग को कैसे ले रहे हैं। मे सर्व वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस, हाँ जी ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों मार्केट प्लेस को देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसके मुताबिक की डायग्राम पे नेट मार्केट प्लेस में कैटलॉग स्कोरिंग ऑटोमेटेड परचेजिंग प्रोसेसिंग एंड फुलफिलमेंट, ये सारी चीजें आती हैं जो सब को देखते हुए काम करती है। साइड पे सप्लायर हैं, दूसरी साइड पे बायर्स हैं जो कि प्रोवाइड करें, जो कि उनको डिफरेंट वराइटीज देते हैं, सोर्सेज देते हैं, उन चीजों को ऑटोमेशन करते हैं, परचेजिंग करते हैं, प्रोसेसिंग। नेट मार्केट प्लेस और ऑनलाइन मार्केट प्लेस में मल्टीपल बायर्स कैन परचेज फ्रॉम मल्टीपल सेलर्स, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स जो हैं अपने जो मल्टीपल परचेजर मौजूद हैं उनसे चीजें खरीद सकते हैं, फिर उनके मुताबिक चीजों को देखते हुए कि उनकी जो प्राइसेस हैं डिफरेंट, जैसे हमारे पास एक हमने चीज खरीदनी है वो डिफरेंट शॉप्स होती हैं, जैसे कपड़ा खरीदना है तो डिफरेंट शॉप्स होंगी तो डिफरेंट देखते हुए जिधर सूटेबल लगेगा हम उधर से खरीदना है, इसी तरह इसमें वर्क करते हैं। अब आते हैं आईओएस, अच्छा जी इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ई मार्केट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट फीचर्स, अब यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप इज डिटरमाइंड इन एडवांस विद एंटिसिपेशन, इट विल बी हेल्ड ऑन ऑनगोइंग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन मल्टीपल ट्रांजैक्शन, मल्टीपल ट्रांजैक्शन को देखते हैं भाई किस तरह से वर्क करता है, एडवांस इंटर रिलेशनशिप बनाते हैं कि इसके साथ में टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में एग्जिस्ट, कस्टमर सेलर लिंक करते हैं एस्टैब्लिश इन टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन में भी फॉर वन ट्रांजैक्शन ओनली, कि कस्टमर और सेलर जो है वो लिंक कर सकते हैं एक ही ट्रांजैक्शन के साथ, या तो वो वन टू वन भी हो सकती है, उनके साथ परचेजिंग कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, काम को लेके जा रहे हैं आगे, इस तरह से हम लोग डीलिंग करते हैं। अब आते हैं आईओएस, में भी बिल्ट अराउंड प्राइवेट और पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क, ये आईओएस क्या है वो बिल्ड कर सकती है अपने डाटा को प्राइवेट या पब्लिकली ओवरऑल भी जितने भी नेटवर्क्स होंगे, कस्टमर सप्लायर्स परचेज एग्रीमेंट एस्टैब्लिश फॉर डिफाइंड पीरियड और ये सारा उसके मुताबिक उसको रहते हुए वर्क करवाता है कि हमारी जो चीज है वो कैसे वर्क करेगी, काम को कैसे लेके चलेगा, तो उसके मुताबिक ही देखेगा। फिर उसके बाद एंड से रिजल्ट एग्रीमेंट ऑन द नेचर एंड फॉर्मेट ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स दैट विल बी एक्सचेंज एंड पेमेंट्स, जो हमारे एग्रीमेंट जितने भी चल रहे हैं उसके मुताबिक बिजनेस का फॉर्मेट देखेगा, उनको एक्सचेंज करेगा, फिर उनकी पेमेंट देगा। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स आर बिल्ड अराउंड पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क, हमारे पब्लिकली यहाँ से हम अपने नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, सेलर्स डिटरमाइन इन कंजेक्शन विद द मार्केट मेकर विद बिजनेस ट्रांजेक्शन दे विल प्रोवाइड, जहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन जिन्हें प्रोवाइड की जाती है जिसको बेस बनाते हैं वो काम करते हैं, एडवांस एग्रीमेंट्स आर मेड बोसो बोथ पार्टीज नो विच कम्युनिकेट नेटवर्क विल बी इंटीग्रल टू सिस्टम, सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हैं हमें वर्क करते हैं, कस्टमर्स एंड सेलर्स इंडिपेंडेंट एंडली डिटरमाइन विच कम्युनिकेट नेटवर्क दे विल बी इन पार्टिसिपेंट्स इलेक्ट्रॉनिकल मार्केट, द नेटवर्क में यूज वेरी फ्रॉम ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन, अच्छा ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करते हैं, कस्टमर्स एंड सेलर्स इंडिपेंडेंटली और पार्टिसिपेट करते हुए वर्क करते हैं, ज्वाइंट गाइडलाइंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच पार्टी
are formulated to change about how the system is to be how the system is to be used and when transactions will be submitted and received by each business partner. के जितने भी ज्वाइंट किए जाएंगे ना गाइडलाइंस एंड एक्सपेक्टेशंस होंगी उनको फार्मूलेट करते हैं एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं उनको सबमिट करते हैं उनके लिए हम एक पार्टनर से रिसीव करते हैं चीज़ों को फिर आगे मूव करवाते हैं. ये हमारे पास काम करता है और इसमें हमने ज्वाइंट गाइडलाइंस देखी. अब इसमें नॉट ज्वाइंट गाइडलाइंस आर ड्रॉन हम कहते हैं इसमें गाइडलाइंस हम एडवांस में ड्रा नहीं कर सकते. ये बेस किस पे करती है बी टू सी एंड अदर्स अदर्स की जितनी भी बेस है वो हमारे पास इसके ऊपर आती है ई मार्केट के ऊपर इसके ऊपर रहते हुए करते हैं. ये इंटरनेट का ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके अंदर हमने सारी चीज़ों को वर्कआउट करवाया उनको अंडरस्टैंड किया कि ये हमारी चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं. जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं उनका ओवरव्यू देख चुके हैं प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया एलैबोरेट कर लिया है. नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.